हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि देखिए जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एरे को पास करते हैं किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन से किसी और फंक्शन में। लेकिन उसमें हमने देखिए लास्ट में डिस्कस किया था कि इफ एन एरे एलिमेंट इज अल्टर्ड विद इन द फंक्शन, द अल्टरेशन विल बी रिकग्नाइज इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। अब आज इसी चीज को हम एक सी प्रोग्राम से आपको समझाते हैं कि इस सी प्रोग्राम में क्या है कि इट पासेज अ थ्री एलिमेंट इंटीजर एरे टू ए फंक्शन वेयर द एरे एलिमेंट्स आर एल्टर्ड, द वैल्यूज ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एट थ्री डिफरेंट प्लेसेज इन द प्रोग्राम एंड हेंस यू विल क्लियरली गेट द इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट की इंटीजर एरे को हम पास करते हैं और आप ये देखिएगा कि प्रोग्राम में जो है उन वैल्यूज में तीन जगह चेंज होता है और हमने उन तीनों जगह उसको डिस्प्ले कराया है तो आपको अल्टरेशन का इफेक्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप चाहे तो इस प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और चाहे तो अगर आपने समझ लिया है तो आप इसको सीधा प्रोग्राम पे ही नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, हमने कहा इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, फंक्शन का नाम है मॉडिफाई। ठीक है, और इसका आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर और एक एरे है, जैसे हम एरे को पास करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से हम मेन फंक्शन शुरू करते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल लिया इंटीजर काउंट और दूसरी हमने एक एरे लिया तीन एलिमेंट की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरे और डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, अभी मेन से ही हम एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं, ये किया हमने स्लैश एंड कोट्स क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर काउंट इक्वल टू जीरो से काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू तक, और हो गया आपका प्लस प्लस काउंट, ये किया हमने। फिर यहाँ पे हमने फॉर की बॉडी शुरू की, यहाँ हमने लिखा काउंट प्लस वन को ए काउंट कर देंगे। ठीक है, वी विल पुट काउंट प्लस वन इज इक्वल टू ए काउंट। अब इसमें क्या करेंगे कि काउंट का जो हम फॉर का बॉडी में काउंट जीरो से टू तक जो लूप चलाते हैं उसमें हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया ए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ए काउंट इक्वल टू हो गया काउंट प्लस वन। ठीक है, और इसको लगे हाथ हम प्रिंट भी करा देंगे। तो हमने यहाँ कहा, यहाँ दिया प्रिंट एफ और ए परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी फिर स्लैश एन और ये कोट्स क्लोज कर देंगे कॉमा, यहाँ पहले हो जाएगा काउंट और फिर यहाँ आ जाएगा
ए काउंट। तो जो तीनों वैल्यूज हैं वो बारी बारी से यहाँ पे एक बार प्रिंट करा दिया हमने। ठीक, अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये तो हमने कब आएगा ये वैल्यू, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। अब उसके बाद क्या होगा, फिर हमने प्रिंट एफ किया और यहां हमने लिखा स्लैश एन फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के बाद अब हम मेन से इसको प्रिंट कराते हैं। तो फिर से हमने लिखा फॉर काउंट इक्वल टू जीरो, काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू और प्लस प्लस काउंट। ठीक, और इसमें फिर हम डिस्प्ले करा देंगे, चूंकि एक ही स्टेटमेंट देना है तो हम सिंगल फॉर की बॉडी नहीं बनाते, हम सिंगल स्टेटमेंट ही दे दे रहे हैं प्रिंट एफ। और फिर हमने दिया कोट्स ए परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन कोट्स क्लोज्ड कॉमा, फिर हमने यहाँ लिखा काउंट और ये आ जाएगा ए काउंट। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे मेन प्रोग्राम, मेन की बॉडी हमने बंद कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है तो आपको यहाँ पे फंक्शन भी बनाना होगा। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं मॉडिफाई वाला, हमने लिखा void मॉडिफाई, यहाँ लिख दिया हमने इंटीजर ए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, ये हो गया इंटीजर काउंट, प्रिंट एफ स्लैश एन फ्रॉम द फंक्शन आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज। अब यहाँ लिखेंगे, अभी तो देखिए फ्रॉम द मेन हो रहा था, अब आया फ्रॉम द फंक्शन आफ्टर मॉडिफाइंग द वैल्यूज, मॉडिफाइंग द वैल्यूज। ठीक है, अब इसको फिर से प्रिंट कराएंगे तो हमने लिखा फॉर काउंट इज इक्वल टू जीरो, काउंट इज लेस देन इक्वल टू टू और ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस काउंट। देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस काउंट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस प्लस काउंट। ठीक है, अब इसके लिए फिर आपका जो लूप चलेगा, ये चूंकि यहाँ सिंगल स्टेटमेंट देना है तो फिर हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया ए काउंट इज इक्वल टू ए काउंट इक्वल टू हो गया मान लीजिए माइनस का 9, ये हमने दे दिया। ठीक, अब यहां हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ कोर्स क्लोज, ये हो गया आपका ए परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, यहाँ पे कोर्स बंद करेंगे, फिर ये आ जाएगा आपका काउंट और ये आ जाएगा आपका ए काउंट। ठीक है, और ये आपकी
फॉर का स्टेटमेंट बंद हो गया, से यहाँ से आपने फॉर शुरू किया था, यहाँ पे फॉर बंद हो गया, और फिर हमने रिटर्न, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करनी, तो केवल रिटर्न स्टेटमेंट हमने दिया और यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। तो इस तरह से जो है आप अब देखेंगे इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे, अब देखिए इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप इसमें देखिए कि जो फर्स्ट लूप है, द एरे एलिमेंट्स आर असाइंड, ठीक है, विद द वैल्यू ए ज़ीरो इक्वल टू, जब इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखिए पहले लूप में ए ज़ीरो पे हमने क्या असाइन हुआ है, 1, ए 1 में क्या असाइन हुआ है, 2, और ए 3 में क्या असाइन हुआ है, 3। ये जो है ए 2 में क्या असाइन हुआ है, 3। ये जब आप पहला लूप देखेंगे तो ये वैल्यू असाइन हुई है, जब मेन में जो पहला लूप चल रहा है उसमें, आप देखिए इस पेज पे आइए, तो ये जो लूप चल रहा है ये वाला, इसमें ये वैल्यूज असाइन हो गई है पहले लूप में। उसके बाद क्या होता है कि दीज वैल्यूज आर डिस्प्लेड एज सून एज दे आर असाइंड, द एरे इज देन पास टू द फंक्शन मॉडिफाई वेयर ईच एरे एलिमेंट इज असाइंड द वैल्यू -9। फिर जब आपने इसको एरे को पास कर दिया यहाँ पे, तो देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है, हर वैल्यू को क्या असाइन हो रही है, -9। तो जब -9 असाइन हो रही है तो आप डिस्प्ले करेंगे तो इसमें क्या होगा कि दीज न्यू वैल्यूज आर देन डिस्प्लेड फ्रॉम विद इन द फंक्शन, फाइनली द वैल्यूज ऑफ द एरे एलिमेंट्स आर अगेन डिस्प्लेड फ्रॉम मेन। तो अब यहाँ पे जब इस लाइन से जो डिस्प्ले होगा, तो इस लाइन से फिर आपको ये डिस्प्ले होगा कि ए ज़ीरो इक्वल टू -9, ए 1 इक्वल टू -9, और ए 2 इक्वल टू, तो अब इसमें जो वैल्यूज आ जाएगी आपकी, ये ए 0 इक्वल टू -9, ए 1 इक्वल टू -9, और ए 2 इक्वल टू भी -9। तो ये तो प्रिंट हो जाएगा आपका इससे, ठीक। अब जब रिटर्न करेंगे, रिटर्न करके आप वापस जब मेन प्रोग्राम में जाएंगे, यानी कि जब आप वापस, आपने कहाँ कॉल किया था मॉडिफाई, आपने कॉल किया था ये है, ठीक है, ठीक। अब जब वापस आप मेन प्रोग्राम में आएंगे तो अब ये जो लाइन आई है इसकी वजह से, ठीक है, फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, तो अब इसकी वजह से जो प्रिंट होगा, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंट और ए काउंट, ठीक। तो अब इसकी वजह से जो डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले भी आपको सेम वैल्यू देगा, एक ए 0 इक्वल टू -9, ए 1 इक्वल टू -9, और ए 2 इक्वल टू -9। तो देखिए यहाँ पे आपने वैल्यू, आप देख रहे हैं कि इन रिजल्ट्स को देख के क्या पता चल रहा है कि दिस रिजल्ट शोज दैट द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए आर एल्टर्ड विद इन मेन एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट वर मेड विद इन मॉडिफाई। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए क्या कहना चाह रहा है इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, देखिए ये क्या था, ये आपका बिफोर कॉलिंग था, यानी ये मेन में था और बिफोर कॉलिंग द फंक्शन था, बिफोर कॉलिंग मॉडिफाई फंक्शन जो था उसको कॉल करने से पहले, ठीक। उसके बाद जब हमने कॉल कर लिया तो मॉडिफाई फंक्शन में वैल्यू चेंज होके ये हो गई इसकी, ठीक। और जब वापस हम रिटर्न किया हमने मेन में, ये तो आ गया, ये वैल्यू हो गई मॉडिफाई फंक्शन में, और जब वापस हमने रिटर्न किया और फिर से हम मेन में आए, और मेन ये मेन हुआ लेकिन आफ्टर कॉलिंग हुआ, तो जब आप दोबारा मेन में आए लेकिन आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, तब तक ये मेन के अंदर जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो चुकी थी, ये भी -9 हो गई थी। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि जब आप एरे को पास करते हैं, इफ एन एरे एलिमेंट इज एल्टर्ड विद इन द फंक्शन, द अल्टरेशन विल बी रिकग्नाइज इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इन द कॉलिंग पोर्शन क्या है, मेन फंक्शन है। तो जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, यानी यहाँ मॉडिफाई फंक्शन के अंदर, यहाँ वैल्यूज में चेंज हुआ,
तो मेन फंक्शन में जो वैल्यूज ये थी वो भी चेंज होके ये हो गई। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन, यानी कि एक्चुअली क्या हुआ कि थ्रू आउट द एंटायर स्कोप ऑफ द एरे द अल्टरेशन इज रिकग्नाइज्ड, पूरे एरे में जो है अल्टरेशन रिकग्नाइज होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम टू कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर एज फार एज पासिंग एन एरे इज कंसर्न। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।